चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, खास करके मैं अभी उनसे बात करना चाह रहा हूँ जो हमारे इंटरनेशनल चैन परेड के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत और आप सबका धन्यवाद जो आप हमारे साथ इस चैन परेड में जुड़े हो, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है यकूब 5 अध्याय और उसका 16 वचन में लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ। और साथ में यह भी लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सो आप धर्मी हैं, आप पापी नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर मसीह के बलिदान के द्वारा, परमेश्वर मसीह से आपने पापों की क्षमा पाई, परमेश्वर के लहू के द्वारा आप क्षमा पा चुके हैं, आप धुल चुके हैं। अब आप पापी नहीं बल्कि धर्मी हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको धर्मी की निगाह से देखते हैं, पापी की नहीं। इसलिए पहली बात आप ये समझ लें कि आपने परमेश्वर मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ है, आपका उद्धार हो चुका है और अब आप पापी नहीं हैं, आप धर्मी हैं। एक समय था जब आप पापी थे, अब पापी नहीं हैं। अगर आज भी आप अपने आप को पापी समझ रहे हैं तो दूसरे पापी और आप भी पापी हैं, तो आपको मालूम है फिर पापियों का न्याय कैसा होगा। ठीक है, इसलिए आप धर्मी हैं और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक धर्मी जन की प्रार्थना से, एक धर्मी जन ने, वहां लिखा हुआ है एक धर्मी जन ने प्रार्थना की और ये ऐसा ऐसा करके हुआ, एक धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, पुराने नियम में जहां एलिया की बात हो रही है तो उस समय तो व्यवस्था का पालन करना पड़ता था और फिर कोई धर्मी बनता था, लेकिन हो सकता व्यवस्था में कोई बात चूक जाए और सब बातों में कोई दोषी ठहरे। लेकिन आप तो ऐसे धर्मी हैं जो मुफ्त में धर्मी ठहराए गए, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। सो आप धर्मी हैं, इसलिए धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप एक जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आप लोग तो इस इंटरनेशनल जो चैन प्रेयर है, जो आप लोग इसमें जुड़े हो, तो इसमें तो सैकड़े 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 लोग हैं जो चैन प्रेयर कर रहे हैं। तो आप सोचो इनके प्रभाव से क्यों ना बहुत कुछ होगा, जब एक धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। इसलिए लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो जाओ, साफ लिखा कि तुम चंगे हो जाओ। इस महामारी के समय में एक दूसरे के लिए प्रार्थना विशेष कर करो कि चंगे हो जाओ, इस महामारी का असर आपके ऊपर ना हो बिल्कुल भी। सो हम लोग, मैं आपसे थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, हम लोग मैं वचन में से प्रचार नहीं करना चाह रहा, बल्कि आप लोगों से मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें इंटरनेशनल चैन प्रेयर में। सो अगर कोई नए हैं और इंटरनेशनल चैन प्रेयर में जुड़ना चाहें तो वो अपना नाम और कहां के वो रहने वाले हैं, वो स्थान और अपना टाइम लिखकर हमें भेज सकते हैं कि हम इतने बजे से इतने बजे तक प्रार्थना करेंगे। सो परमेश्वर के लोगों, आप सबका स्वागत है। मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, दुनिया के अलग अलग देशों से इस चैन प्रेयर में जुड़े हुए हैं, जैसे अमेरिका से, इंग्लैंड से, अलग अलग स्थानों से, अमेरिका के अलग अलग स्थानों से, और इटली से, फिजी आइसलैंड से, हांगकांग से, बहरीन से, बेल्जियम से, नेपाल से, दुबई से, और कई और देशों से भी। इंडिया में भी हमारे बहुत सारे जो एरिया है वो कवर हुआ है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको ये पता लगे कि सैकड़ों लोग एक मिनट में अंदर आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, बिना रुके 2400 घंटे आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आप में से जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप एक घंटा, दो घंटे, चार घंटे, जितने देर भी आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसी चैन बन चुकी है चमत्कार चर्च टीवी के द्वारा, ऐसी चैन बन चुकी है कि 2400 घंटे सैकड़ों लोग जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आपके लिए बहुत कुछ होगा, आपके लिए आशय हैं, आपके लिए शांति है, आपके लिए छुटकारा है इस महामारी के समय भी में भी, और दूसरों के लिए अंधेरा हो सकता है लेकिन आपके लिए रोशनी है। सो इंडिया के, हमारे देश के बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं उनका स्वागत भी करते हैं हम लोग, आप लोगों का स्वागत करते हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे। असम से हैं हमारे साथ, दिल्ली से हैं, राजस्थान से तो हैं, पंजाब से, अलग अलग शहरों से हैं, चंडीगढ़ से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, उत्तराखंड से हैं, दमन से हैं, हरियाणा से हैं, झारखंड से हैं, वेस्ट
बंगाल से हैं, नागालैंड से हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से और अलग अलग जगहों से, औरंगाबाद से, मेघालय से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, जम्मू से हैं, कर्नाटका से हैं, गोवा से हैं, उड़ीसा से हैं, कश्मीर से हैं और ऐसे बहुत सी जगह खासकर जगहों से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो आप सबका स्वागत भी हम लोग करते हैं और आप सब लोग इस बात से आनंदित हों कि दुनिया के अलग अलग कोनों से आपके लिए प्रार्थना हो रही है। ये अभी जो लिस्ट तैयार हो चुकी है उसका आपको मैं आपको बता रहा हूँ और जो अभी लिस्ट बाकी है तैयार होने में उसके बारे में अभी आपको नहीं बता पा रहा। अभी काफ़ी लिस्ट है जो तैयार होने वाली बाकी है। सो एक दो बातें जरूर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, खास करके जो चैन प्रेयर के साथ जुड़े हुए हैं उनका हृदय से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हृदय से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं खुद इस समय जब तक ये महामारी का खतरा है उस समय तक मैं खुद इस चैन प्रेयर को लीड कर रहा हूँ। मैं और हमारी चर्च के बहुत से लोग लगे हुए हैं 24 घंटे आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, इस विश्व के लिए प्रार्थना करने के लिए, खास करके मसीहों के लिए और खास करके आप लोगों के लिए, कि परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दें और इस महामारी से बचा कर रखें। बहुत सी दास खबरें में हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत दुखदायी खबरें पढ़ते हैं, मैं कुछ नहीं बताना चाहता क्योंकि इसमें सरकार की कुछ बातें हैं जो नहीं हम लोग बात नहीं कर सकते। बहुत कुछ कैसे मौतें हो रही हैं, क्या हाल बिगड़े हुए, आप टेलीविज़न पे खबरों में सुनते रहते हैं और मैंने भी जो आपसे बात कर रहा हूँ टीवी में जो सुना है वही बात आपसे कर रहा था। सो बहुत से हालात कैसे हैं, हालात हैं तो परमेश्वर इन सारे बुरे हालातों से परमेश्वर आपको बचाएंगे और मैं खुद इसको लीड कर रहा हूँ। बाकी सब लोग मेरे साथ हैं लेकिन मैं खुद लीड कर रहा हूँ। इस समय चर्च में और कोई नहीं है, हमारे स्टाफ के लोगों की हम लोगों ने छुट्टी कर दी थी कि वो अपने घर पर रहें और फिर जो वॉलंटियर हैं और जो कुछ भी हैं और कोई भी नहीं है मेरे घर में, मेरे परिवार के अलावा और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, ठीक है, और बस हम लोग हैं। इसलिए मैं खुद इसको कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ आप लोगों के साथ इसको चैन प्रेयर को। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जवाब देने में हमें व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजते हैं, अगर जवाब देने में हमें देरी होती है तो आप दुखी ना हो कि हाँ अभी नाराज ना हो ना कि हमें अभी तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि बहुत से हज़ारों लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको जवाब देने में टाइम लगता है। हाँ, आप लोगों के इंटरनेशनल जो चैन प्रेयर के साथ जुड़े हुए हैं उनके नाम एड्रेस हमारे फ़ोन में सेव किए हुए हैं हम लोगों ने, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो चैन प्रेयर के साथ जुड़े हैं पहले उनको जवाब दें और जो जिनका नंबर सेव नहीं है उनको बाद में जवाब दें। फिर भी आपका आपकी बारी आते आते हो सकता है टाइम लगे, कई बार तो हम लोग सुबह का और दूसरे दिन हम लोग जवाब दे पाते हैं, कई बार सुबह का शाम तक दे पाते हैं और जो भी टाइम लगे, तो आप इस बात का ध्यान दें कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमारे चर्च के जितने लोग हैं और हम लोगों ने यह फैसला किया है जो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी जितने लोग भी चमत्कार चर्च टीवी को देखते हैं उन पर सबको आशीष करें, जितने लोग चमत्कार चर्च टीवी पे कमेंट करते हैं, वीडियो को कमेंट करते हैं उनको परमेश्वर आशीष दे, जितने सब्सक्राइबर हैं उनको आशीष दे और जो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज भेजते हैं परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। तो आपने मैसेज अगर हमें भेजा तो आपके लिए चर्च के लोग, मैं और सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अगर उसे सीन नहीं किया गया यानी कि अगर उसके हम लोग ओपन नहीं किया तो भी उसके लिए प्रार्थना हो रही है कि परमेश्वर जितने लोग भी मैसेज भेज रहे हैं उनके लिए उन्हें आशीष करो। आपने मैसेज भेज दिया, ये सोचें आपके लिए प्रार्थना हो रही है। सो जब ओपन करेंगे तो हम लोगों के सामने पूरी स्थिति आ जाएगी, लेकिन जब तक नहीं ओपन करते तो भी आप याद रखें कि आपके लिए बहुत से लोग लगे हुए हैं जो हमारी चर्च के विशेष करके और आप भी जो इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जिन्होंने भी मैसेज भेजा है वो लोग आशीष पाएं। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और हाँ, आप लोग मेरे लिए और हम लोगों सब के लिए, हमारे चैनल के लिए, हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए, हमारी चर्च के लिए, मेरे परिवार के लिए और हमारे चमत्कार चर्च टीवी के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। क्यों कह रहा हूँ, एक आर्मी जो फौज होती है जब युद्ध में जाती है तो फौज जो होती है दुश्मन फौज का जो कंट्रोल रूम होता है उसको उड़ाना चाहती है,
सबसे पहले अगर वो एक एक को मारती है, दुश्मन को मारती है, तो उससे अच्छा वो ये सोचती कि इनका कंट्रोल रूम कहां पर है, और वो देखती अरे कंट्रोल रूम तो यहां है, यहां से वो सारे हजारों सैनिकों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, यहां बम फेंकना है, यहां ये करना है, यहां आप एक टैंकर लेकर जाओ, एक तोप लेकर जाओ, और यहां से गोला बरसाओ, यहां से ये करना है, तो कंट्रोल रूम होता है, वार रूम जो होता है कंट्रोल रूम। तो दुश्मन ये चाहता है कि कंट्रोल रूम को ही उड़ा दिया जाए, ठीक है, जिनको सबको कंट्रोल, वो एक एक को मारेंगे, एक एक को मारेंगे, एक एक को मारेंगे, कब तक वो करते रहेंगे, कंट्रोल रूम उड़ गया तो सबका कंट्रोल आउट हो गया। तो इसलिए जो कंट्रोल रूम है, यानी कि यहां श्री गंगानगर में रास्ता में जो हम लोग हैं, ठीक है, तो दुश्मन, दुश्मन मतलब शैतान, तो शैतान की ये चाल है, शैतान ये हमेशा कोशिश में रहता है कि कंट्रोल रूम को उड़ा दूं, अगर कंट्रोल रूम को उड़ा दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन आप लोगों की प्रार्थना से हम लोग सेफ हैं। एक बात और, आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, सैकड़े 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 लोग प्रार्थना करते हैं कि पास्टर जी जिसके लिए प्रार्थना करें वो लोग चंगे हो जाएं, हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं वो चंगा हो जाता है, किस कोई भी होती हो संकट उसका वो ठीक हो जाता है, क्यों हो जाता है, आप लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से इन्हें धन संपत्ति की आशीष मिले, और प्रभु यीशु से उन्हें दे देता है, क्योंकि आपने कहा, हजारों लोगों ने ये कहा कि पास्टर बिशप अमरदीप जी जो भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु जी से सुनिए, तो मैंने जब कहा कि प्रभु यीशु के नाम से गांठें निकल जाएं, प्रभु यीशु के नाम से बीमारियां दूर हो जाएं और वो ठीक होगी, क्यों होगी, क्योंकि आप लोगों ने प्रार्थना की और आगे मैंने की, तो इसलिए आप कंट्रोल रूम के लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। पलूस ने भी कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करते रहना, एक बार नहीं कई बार कहा, मैं भी आपसे कहता मेरे लिए प्रार्थना करते रहिएगा। सो प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दें, और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, स्वर्गीय परमेश्वर आपके चरणों में आता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग हमारे साथ इंटरनेशनल चैन प्रेयर में जुड़े हुए हैं, ये दुनिया भर के लोग जो इतने भी हैं, इन्हें ब्लेस कीजिए, इन्हें ब्लेस कीजिए, इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु जी, कोई भी शैतान की ताकत, कोई भी अंधकार की ताकत इनके विरोध में ना हो, कोई भी कोरोना वायरस COVID-19 इनके विरोध में ना हो, ऐसी बीमारी और शैतान की ताकत तुझे आज्ञा देता हूँ इनके शरीरों को छोड़ दे, इनके आसपास भी ना हो, सारी बीमारियां खत्म हो जाएं, प्रभु यीशु के नाम से हर एक बीमारी खत्म हो जाए, पांव से लेकर सिर तक की हर एक दर्द प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए, पांव से सिर तक की कोई भी गांठ रसौली या ट्यूमर है प्रभु यीशु के नाम से वो गैप हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक पत्थरी स्टोन निकले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हृदय के रोग ठीक हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, चेस्ट प्रॉब्लम दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से पेट की बीमारियां दूर हो जाएं, चंगाई आए प्रभु यीशु के नाम से, कानों की बीमारियां दूर हो प्रभु यीशु के नाम से, आंखों की बीमारियां दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से सारी खांसी खत्म हो जाए, जुकाम खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, सारा बुखार प्रभु यीशु के नाम से निकले प्रभु यीशु के नाम से, शुगर की बीमारियां दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बीपी का बढ़ना घटना नॉर्मल हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, मेरे परमेश्वर जी अपना हाथ बढ़ाएं, चमड़ी का रोग दूर हो प्रभु यीशु के नाम से, किडनी ठीक हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, सारा इन्फेक्शन दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, लीवर का रोग दूर हो प्रभु यीशु के नाम से, थायराइड दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, मिर्गी के दौरे आने बंद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, लहू का बहना रुक जाए प्रभु यीशु के नाम से, ये नॉर्मल हो जाए, सारी गुप्त बीमारियां दूर हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से, संतान की आशीष देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, धन संपत्ति की आशीष देते हैं, ऐसी दुष्ट आत्मा की ताकत जो इनके विरोध में खड़ी हो प्रभु यीशु के नाम से दूर करते हैं, नष्ट करते हैं, कोई भी जादू तेज की ताकत इनके विरोध में ना हो, मेरे परमेश्वर जी अपना हाथ बढ़ाएं, इन्हें शू लीजिए, ब्लेस कीजिए पवित्र आत्मा जी, इन्हें शुएं पवित्र आत्मा जी, ने भरें पवित्र आत्मा जी, ने भरें अपने साम से, भरें अपने साम से, भरें अपने साम से, भरें पवित्र आत्मा जी, ओ री बाना सखरा बो सुखो री बिनी सिखी री बिशिदा रा सखो बनो सुखो बा री बिश्री बिरी बिशिद बिरी रिबा, पवित्र आत्मा जी ने भर दीजिए, पवित्र आत्मा जी ने भरिए, साम से भरिए, अपने पवित्र आत्मा आग से भरिए, मेरे परमेश्वर ने ब्लस कीजिए, आशीष कीजिए, सारा आदर महिमा आपको देते हुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। सो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दें, आपका स्वागत है इस चैनल प्रेयर में, और आप और लोगों को भी इसमें जोड़ सकते हैं ताकि हम लोग मिलकर प्रभु के नाम की महिमा करें। एक बार याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है इस बात को लेकर कि आप हमारे साथ मिलकर चैनल प्रेयर कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दें, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहें।
आमीन।